हेलो एवरीवन, सलिया आज हम बताने वाले हैं दोस्तों कि अगर आप बिहार बोर्ड से क्लास 10th या 12th का एग्ज़ाम दिए थे और आप उस एग्ज़ाम में फेल हो गए थे किसी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट से, और फिर उसका एग्ज़ाम दिया था आप कंपार्टमेंटल का, दोस्तों कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम जारी कर दिया गया है आज, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो आज हम आज वीडियो में बताने वाले हैं। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन रखा हूँ। आपको सर्च फॉर टाइप URL पे जाना है, यहाँ पे लिखना है BACV Result 2024। यहाँ पे सर्च करिएगा तो आपको दो लिंक दिखेगा, आपको ऊपर में होम पेज दिख रहा था, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ, एक नीचे भी लिंक दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए दो लिंक दिख रहा है आपको, पहले में आपको दिखेगा, मैं थोड़ा सा स्लाइड अप करता हूँ, ये पहला लिंक आपको दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, दूसरे वाले पर क्लिक करना है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना रिजल्ट जो लिख रहा है इस पर क्लिक करना है, मैंने क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लिंक मिलेंगे आपको, अगर कंपार्टमेंटल से आप एग्ज़ाम दिए हैं किसी एक सब्जेक्ट को तो ऊपर वाले इंटर का है, इंटर से दिए तो इंटर पे क्लिक करके अपना रिजल्ट देखिए। अगर आप मैट्रिक दें तो मैट्रिक वाले नीचे है, तो मैं मैट्रिक दिया हूँ, सेकेंडरी पे मैं क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्लिक करने के बाद आपको सेकेंडरी यहाँ पे लिख रहा सेकेंडरी स्पेशल एंड कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन रिजल्ट 2024। अब आपको रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको रोल कोड डालना पड़ेगा, जो भी आपका नया एडमिट कार्ड मिला है, नया एडमिट कार्ड के हिसाब से डालना है। रोल कोड, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि, आई जो कैप्चर दिख रहा जो 27, जो ये जो आपको जोड़ के नीचे भर देना, फिर सर्च रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो हम चलिए करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरा रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे आ गया है। BACV यूनिक ID, नाम पता वगैरह जो भी है सारा चीज़ आ गया। आप थोड़ा सा नीचे से ऊपर करिएगा, पूरा डिटेल्स आपके यहाँ पे आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है नहीं है। और थोड़ा सा और नीचे से ऊपर करिएगा तो यहाँ पर आपका जितना भी कौन सा सब्जेक्ट में कितना मतलब नंबर लाए हैं वो आपको दिखेगा। और जिस सब्जेक्ट से आप कंपार्टमेंटल दिए हैं उस सब्जेक्ट दोस्तों सी लगा हुआ रहेगा, तो यानी कि वो कंपार्टमेंटल से दिए। अपना रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट रिजल्ट, प्रिंट रिजल्ट पे क्लिक करिए, अपना यहाँ पे रिजल्ट मतलब सेव कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।